हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम दी गई है, इफ वी एड वन टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो ये रिड्यूस हो जाती है वन में। इट बिकम्स वन बाय टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। और ये वन बाय टू हो जाती है जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में, ओनली डिनोमिनेटर में हम वन एड करें। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? तो यहां पे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो हम मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इसको हम y मान लेते हैं, देन फ्रैक्शन इज एक्स डिवाइड बाय वाई। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है उसमें कहा है कि इफ वी एड वन टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में वन ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस वन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वन डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वाई माइनस वन हो जाएगा। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? वन हो जाती है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, और फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? वन के इक्वल होगी। क्या है हमारे पास? अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट हो गई, ये फ्रैक्शन है ना हमारे पास। अगर न्यूमरेटर में वन ऐड कर दिया तो एक्स प्लस वन हो गया, डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वाई माइनस वन हो गया, तो नई फ्रैक्शन ये बनी। वो कह रहा है क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। तो अब हमें इसको क्या करते हैं, इसके डिवाइड में भी वन लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, यहां से करेंगे तो ये एक्स प्लस वन और ये y माइनस वन, क्योंकि ये ऐसे भी वन और ऐसे भी वन, तो इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे y की वैल्यू कई इधर ले आते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वन पहले ही है और ये माइनस वन, तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक कंडीशन और भी गिवन है। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अब की बार क्या है, इट बिकम्स वन बाय टू, ये हो जाएगी वन बाय टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमारे पास ये है, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो एक्स ही रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? वन बाय टू हो जाएगी। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? टू एक्स दैट इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई को इधर ले आएंगे तो ये टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, यहां से टू एक्स और ये वन के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, वाई को इधर ले आए तो माइनस का वाई हो गया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को और सेकेंड को आपस में सोल्व करना है। फर्स्ट है देखो हमारे पास, सेकंड तो ये लिखी हुई है, इसके नीचे फर्स्ट लिख देते हैं बस। फर्स्ट है हमारे पास एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस टू, यहां पे फर्स्ट लिख देते हैं। अब देखो कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, यहां पे देखो माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, तो हो रही है कुछ नहीं करना बिल्कुल, आपको जस्ट इनके साइन चेंज कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस से ये भी प्लस हो गया, यहां से ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई, ये कैंसिल हो गया, टू एक्स और माइनस एक्स, तो एक्स रह गया इक्वल टू वन, प्लस का है
और टू बी प्लस के तो थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में ही पुट कर लेते हैं। वन है हमारे पास एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू आई थ्री, तो थ्री करते हैं, थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव। एक्स आ गया हमारे पास थ्री और वाई आ गया हमारे पास फाइव, सो फ्रैक्शन इज क्या थी, एक्स डिवाइड बाय वाई, एक्स की वैल्यू थ्री वाई की डिवाइड बाय फाइव, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी थ्री डिवाइड बाय फाइव, फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाय फाइव, ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, उसने कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें, थ्री बाय फाइव थ्री न्यूमरेटर में वन ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वन हो जाएगी, देखो ये फोर बाय फोर हो गया तो कैंसिल हो गया कितना आ गया वन आ गया। सेकेंड केस में कहा उसने थ्री बाय फाइव है हमारे पास कि अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करें तो ये वन बाय टू बनेगी, डिनोमिनेटर में अगर वन ऐड करेंगे तो थ्री बाय सिक्स हो जाएगा, कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर हमने वेरीफाई कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट वन, आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकेंड की तरफ। पार्ट सेकेंड में कहा गया है कि फाइव इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस मीन्स थ्री टाइम्स थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, उसके बाद 10 इयर्स लेटर मतलब बाद में नूरी विल बी ट्वाइस मतलब टू टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। यहां पे कहा गया है कि फाइव ईयर एगो पांच साल पहले नूरी वाज थ्राइस मींस थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, 10 इयर्स लेटर मीन्स 10 साल के बाद नूरी विल बी टू टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने वर्ष के हैं, मीन्स हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। यहां पे हमारे पास इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू एक्स इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये हमने मान लिए वाई इयर्स, तो ये हमने प्रेजेंट एज मान ली। अब बात हो रही है फाइव इयर्स एगो, पांच साल पहले, फाइव इयर्स एगो एज ऑफ नूरी, फाइव इयर्स एगो अगर नूरी 20 इयर्स की है तो फाइव ईयर एगो पांच साल पहले वो कितने की होगी 15 की होगी,
अगर वो 25 की है तो 20 की होगी, 37 की है तो 32 की हो जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, हर केस में क्या करेंगे, माइनस 5 कर देंगे, पता चल जाएगा हमें। पहले तो 5 साल पहले की एज थी उसकी, तो ये एक्स में से हम 5 माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 5 ईयर्स। सिमिलरली 5 ईयर्स एगो, सॉरी एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या होगी, वाई माइनस, क्योंकि सोनू की एज प्रेजेंट एज वाई है, तो 5 साल पहले वाई में से 5 कम हो जाएगी। ये हो गया अभी हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट एज के बारे में आ गया, 5 ईयर एगो, एक और बात कही है कि 10 ईयर लेटर, समझ लीजिए ये कि आफ्टर 10 ईयर्स या फिर 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट एज, ये है तो 10 साल बाद कितनी होगी, मान लो 30 ईयर की है तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी। तो ये x प्लस 10 ईयर्स, इसी तरह से 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू, तो ये y प्लस 10 हो जाएगा। अब जो भी डाटा हमें चाहिए वो हमने निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो कंडीशन है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज 3 टाइम, नूरी 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 ईयर पहले नूरी है एक्स माइनस 5 ईयर की और सोनू है वाई माइनस 5 ईयर का। अब नूरी है इससे 3 टाइम है, मान लो नूरी की एज 45 है तो सोनू की एज 15 है, 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये 3 टाइम्स है इसका, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल, तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 15, y को जब ले जाएंगे तो x माइनस 3y दैट इज माइनस 15 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, 3y इधर आके माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का 15 तो यहां पे था, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई, 3y और माइनस के 15, 3y इधर आ गया, माइनस का 3y, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, तो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 10। कंडीशन 1 आ गई हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज है डबल होगी सोनू के मुकाबले, नूरी की एज है एक्स प्लस 10, सोनू की एज है वाई प्लस 10, ये इसकी डबल होगी, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 12, एक्स माइनस 2y इधर आ जाएगा 20 माइनस 10, तो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10 रह जाएगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। इसके नीचे आप फर्स्ट कंडीशन लिख दें, एक्स माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 10, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो सेम है क्वेश्चन, सिंपल हमें क्या करना है, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस का तो प्लस हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2y और प्लस के 3y, तो y रह जाएगा प्लस का, प्लस के 10 और प्लस के 10 20 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 20 आ गई। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, लिख देंगे आप पूरा के, या फिर लिख लो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, 1 में पुट कर लो 2 में पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे कर देते हैं x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू है 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 10,
तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 50। लिखते हैं, सो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज को हमने x माना है तो ये आ गया 50 इयर्स, और एज ऑफ सोनू उसको हमने y माना है तो ये आ गया 20 इयर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसने कहा कि 5 इयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 45 की, ये 15 का। अब देख लो 45 15 का 3 टाइम्स है तो बिल्कुल सही है। 10 ईयर लेटर ये 60, ये 30, अब देख लो 60 30 का 2 टाइम्स है तो बिल्कुल सही है। थ्राइस ट्वाइस कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। सेकेंड के थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें है हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स फाइंड द नंबर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट को समझते हैं पहले कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। जैसे कोई नंबर है 27, इसका एक तो डिजिट 2 है और एक 7 है, तो 2 का और 7 का प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन। आगे कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम है, इसके नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ऑर्डर जो है डिजिट का रिवर्स कर दिया, ये इधर पहुंचा दिया, ये इधर पहुंचा दिया, ये इधर, ये इधर, तो ये 72 बन गया। कह रहा है ये आपस में इक्वल है, तो हमने एग्जांपल लिया, ये इक्वल नहीं है, यानी कि उसने ऐसी कोई सिचुएशन की वो बात कर रहा है, ये नहीं लिया हमने, तो वैसे एक एग्जांपल की बात किया, हमें तो आंसर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, अभी तो हमें नंबर का पता ही नहीं है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है तो नंबर हमें फाइंड करना है, तो ये दो कंडीशन है जो हमें यूज करनी है। इसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जैसे नंबर है 36 में ये तो है हमारे पास यूनिट प्लेस और ये है हमारे पास टेंस प्लेस, तो यूनिट का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, तो ये 36 कैसे बना होगा, 3 टेंस प्लेस पे है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई प्लस
सिक्स यूनिट प्लेस पे है तो सिक्स ही लिख दो या सिक्स की वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो पूरे 36 हो जाएंगे। 45 कैसे करो, अगर टेंस प्लेस पे 4 है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट प्लेस पे 5 है तो सीधा 5 ही लिख दो, वर्ग के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। जैसे 123 है, ये यूनिट प्लेस पे है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये टेंस प्लेस पे है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये 100 प्लेस पे है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की 100 के साथ 100, इसकी ये 20 और ये 3 तो 123। तो इस तरह से होता है, एक ये कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या बनेगा। यहां पे मेरे बच्चों काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि लेट यूनिट प्लेस, ये यूनिट्स प्लेस लिख दो, यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर दैट इज एक्स, यूनिट प्लेस को जो डिजिट है उसको एक्स मान लिया, एंड टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इसको हमने वाई मान लिया, देन नंबर इज इक्वल टू, देखो 23 है यूनिट प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 2 है, तो 10 को टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके और इसमें प्लस 3 करेंगे तो ये 20 प्लस 3, तो ये हमारे पास 23 पूरे हो गए। अब यूनिट प्लेस पे तो एक्स है और टेंस प्लेस पे वाई है, तो कैसे बनेगा नंबर, वाई है जो टेंस प्लेस पे है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी, और यूनिट प्लेस पे एक्स है तो ऐसे ही आएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x, 10y + x। ये चीज आपको समझनी है, रिपीट करो, 54 नंबर है, यूनिट डिजिट इसका 4 है, टेंस डिजिट इसका 5 है, तो ये नंबर कैसे बना होगा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके और उसमें यूनिट डिजिट प्लस कर दिया, तो ये 50 + 4 टोटल हो जाएगा 54। अब टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसकी वो वाई है तो उसकी वाई 10 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको जोड़ दिया तो हमारे पास नंबर आ गया। तो इस तरह से ये हुआ है, अब ये तो नंबर हो गया अभी हमारे पास। अब आगे नेक्स्ट अब क्या करना है, रिवर्स करते हैं अगर इनके डिजिट ऑन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट डिजिट्स ऑफ नंबर, न्यू नंबर इज इक्वल टू, जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, तो जो नया नंबर बनेगा, मान लो 27 था पहले, तो इसको रिवर्स कर दिया तो 72 आ गया, तो क्या बनेगा, यानी कि x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया, तो ये 10y + x था तो क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। ये है इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उनकी जगह बदल दी, उनको रिवर्स कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कंडीशन के हिसाब से हमें चलना है, जो कंडीशन है नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, डिजिट है एक्स और वाई, इनका सम 9 है, यानी कि x + y = 9, एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 9 टाइम दिस नंबर, ये रहा नंबर इसका 9 टाइम,
9 टाइम दिस नंबर 10y प्लस एक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स करने से नया नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। ये जो 9 टाइम है इसका ट्वाइस है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस दिस नंबर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस ये कंडीशन है। अब इसको सोल्व करो, यहां से कितना हो गया 90y प्लस 9x दैट इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। अब देखो x और y की टर्म एक तरफ करनी होती है और कॉन्स्टेंट पार्ट एक तरफ करना होता है। अब हम इनको इधर ले आएंगे, 90y प्लस 9x माइनस के 20x और माइनस के 2y दैट इज इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो बच गया। x वाले देखो 90x माइनस के सॉरी 9x और माइनस के 20x तो माइनस के 11x बच गई, 90y और माइनस के 2y प्लस के 88y बच गए, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये 11 से डिविजिबल है, इवन 11 पे डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 11 से, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 11, 11 से इसको डिवाइड कर दिया, वी गेट क्या मिलेगा हमें माइनस एक्स प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक बात और नोट करने वाली है कि आप चाहे तो इसको माइनस 11 से भी कर ले, अगर आप इसको माइनस 11 से करेंगे तो ये जगह प्लस की हो जाएगी और ये जगह माइनस की हो जाएगी, फिर ये बन जाएगा x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट। अब यहां पे एक बात आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है प्यारे बच्चों, वो आपने नोट करनी है। हम क्या करते हैं कोफिशियंट इक्वेट करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशियंट को इक्वेट करते हैं और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम साइन चेंज करते हैं तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहां पे ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स, हमने कुछ नहीं किया, किसी से मल्टीप्लाई नहीं की, किससे हम यहां पे हमने कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं की हमने, तो यहां से बस क्योंकि 11 कॉमन आ रहा था 11 से डिवाइड कर दिया हमने, माइनस 11 से भी कर सकते थे लेकिन हमने ज्यादा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया, सिर्फ 11 से कर दिया। अब आप देखेंगे ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, अगर मैं साइन चेंज करता हूं तो ये भी माइनस का एक्स और ये भी माइनस का एक्स कैंसिल होने के, तो ये ऐसे ही कैंसिल होगी, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हम साइन चेंज करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम ऐसे ही कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब देखो 8y और y साइन ही चेंज करने पड़े हमें, ऐसे ही हमारा काम चल गया, 8y और y 9y दैट इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 दैट इज 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 तो x इज 8, x की वैल्यू 8 आ गई, x आ गया y आ गया, सो नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x, 10y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो ये 10 प्लस 8 दैट इज 18, तो नंबर हमारे पास आ गया, नंबर इज 18, तो वो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर दैट इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देखो यूनिट प्लेस पे कौन था, एक्स, टेंथ प्लेस पे कौन था, वाई। टेंथ प्लेस कितना आया, वन। यूनिट प्लेस कितना आया, एट। सीधा ही यहां से भी हमें पता है चल रहा है कि 18 ही बनेगा, या फिर जो नंबर था हमारा इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। वेरिफिकेशन करते हैं, वो कह रहे हैं 18 हमारे पास आंसर आया है, इसके डिजिट का को प्लस करें तो 9 बिल्कुल सही है, सब 9 है, और इसका 9 टाइम, 18 का 9 टाइम 162 आ जाएगा, और इसके जो डिजिट एन को चेंज करते तो 81 बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें हम, 162 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो कह रहे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सेकेंड का फोर्थ पार्ट है, इसमें कहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, शी आस्क्ड द कैशियर गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन आर, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड, शी रिसीव्ड। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पे क्या कहा गया, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000 रुपए उसको विड्रॉ करने, और उसने कैशियर को क्या कहा, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट उसने मांगे। मीना गोट 25 नोट्स, तो मीना को जो टोटल नोट्स मिले वो 25 नोट्स मिले, उसमें कुछ 50 रुपीज के नोट है और कुछ 50 रुपीज के नोट है और कुछ 100 रुपीज के नोट है। टोटल नोट कितने हैं, 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव, कितने कितने नोट्स उसको मिले, कितने 50 रुपीज के नोट्स मिले और कितने 100 रुपीज के नोट मिले। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पे इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 रिसीव्ड, ये हमने एक्स नोट मान ली, एक्स नोट उसको 50 रुपीज वाले दिए एंड नंबर ऑफ
रुपीज 100 रिसीव्ड, ये हमने मान लिया वाई नोट, ये रुपीज नहीं यानी नोट्स है, काउंटिंग है नोट्स की। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो उसको 10 नोट 50 रुपीज वाले मिले और 20 नोट्स 100 रुपीज वाले मिले। 10 नोट्स तो उसको 50 रुपीज वाले मिले और 20 नोट्स उसको 100 रुपीज वाले मिले, तो ये नोट है, नोट्स है, तो उसको टोटल नोट्स कितने मिल गए, 20 और 10, 30 नोट्स मिल गए उसको। और इसके रुपए कितने मिले बनेंगे, 50 रुपीज के 10 नोट है तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 500, 100 रुपीज के 20 नोट्स है तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 2000 आ गया। कितने रुपए मिल गए टोटल उसको, टोटल रुपीज 2500। ऐसी कुछ कंडीशन है। अब देखो हमने क्या मान लिया कि जो 50 रुपीज के नोट्स है वो एक्स है और जो 100 रुपीज के नोट है वो वाई मिले हैं उसको, तो इन नोटों से जो रुपए बनेंगे वो कितने होने चाहिए, 20,000 रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 50 रुपीज के एक्स नोट मिले तो कितने रुपए मिले होंगे टोटल। मान लो 50 रुपीज के 4 नोट मिलते तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 200 रुपीज मिल जाते। 50 रुपीज के एक्स नोट मिले हैं तो कितने रुपए मिल गए, 50x। जैसे 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले थे तो कितने रुपए हो गए थे, 500 रुपीज। 50 रुपीज के 4 नोट मिलते तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते, 50 रुपीज के 10 नोट मिलते तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 50 रुपीज के x नोट मिले तो x से मल्टीप्लाई कर दिए और 100 रुपीज के y नोट मिले, 100 रुपीज के अगर 5 नोट मिलते तो 5 से मल्टीप्लाई करके 500 आ जाता और y नोट मिले हैं तो 100y आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दें तो टोटल रुपए आ जाएंगे और टोटल रुपए उसके कितने हैं, 2000। तो इसको 2000 के इक्वल रख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, लेकिन देखो ये तो जीरो सब में है और जीरो के बाद भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 50 से ही डिवाइड कर देते हैं इसको। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 50 वी गेट, 50 से जब डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y, 50 से करेंगे तो 4 आ जाएगा इसके नाम पे, तो 40 आ जाएगा हमारे पास टोटल। ये इक्वेशन 1 होगी। अब दोबारा से दूसरी जो कंडीशन है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको टोटल कितने नोट मिले, 25। 50 रुपीज के कितने नोट थे, एक्स। 100 रुपीज के कितने नोट थे, वाई। तो दोनों को प्लस कर दें तो टोटल नोट आ जाएंगे और टोटल नोट कितने हैं, 25। तो ये सेकंड कंडीशन होगी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो दोनों को सोल्व करते हैं, इससे आसान तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास एक तो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और एक है x प्लस y दैट इज 25। ऑप्शन इक्वल है ही हम, तो साइन चेंज कर लेते हैं, x इसके साथ 2y और माइनस का y, तो y रह गया 40 प्लस क्या 25 माइनस क्या तो 15 रह गया, तो y की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर लिया, 2 बिल्कुल सिंपल है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है,
एक्स प्लस 15 दैट इज 25, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। सो ₹50 नोट रिसीव्ड, या फिर वही लिख दो, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 रिसीव्ड दैट इज इक्वल टू एक्स, था एक्स की वैल्यू 10, 10 नोट, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 रिसीव्ड वाई की वैल्यू 15 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चेक करते हैं, टोटल नोट 25 है, 10 नोट तो ₹50 के है, 15 नोट ₹100 के है, तो 25 होगी, 10 को और 15 को प्लस करेंगे तो 25, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब ₹50 के 10 नोट है, तो ₹50 के 10 नोट है तो कितने रुपए मिलेंगे होंगे इससे, 500, और ₹100 के 15 नोट्स है, ₹100 के 15 नोट है, इससे कितने रुपए मिले, 1500। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो टोटल रुपीज कितने मिल गए, 2000, और कितने थे, 2000 ही थे, इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा जो आंसर आया है। तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट में कहा गया है, मेरे बच्चों इसमें है हमारे पास ए लैंडिंग लाइब्रेरी, हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास पिछली एक्सरसाइज में टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वो फिक्स्ड चार्ज लेती है और पर किलोमीटर का चार्ज लेती है, इसी तरह से
एक बार स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कह सकते हो, लाइब्रेरी कह सकते हो, तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है यानी कि जो बुक्स उधार देती है, ऐसा कोई पुस्तकालय है, ऐसी कोई लाइब्रेरी है। हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट थ्री डेज, थ्री डेज का उसका फिक्स चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और थ्री डेज के बाद हर दिन का कुछ फिक्स चार्ज। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज के सरिता ने 27 रुपीज पे किए। वाइल सुशी पेड रुपीज 21, और सुशी ने 21 पे किए फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए उसने 21 रुपीज पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब यहां से देखो, इसको समझते हैं। मान लो 5 डेज के लिए कोई बुक ली, तो इसमें 3 डेज का तो अलग लगेगा, वो तो फिक्स है, और 2 डेज का अलग लगेगा, वो अलग से चार्ज है पर डे के हिसाब से। सपोज करो कि 3 डेज के फर्स्ट 3 डेज के 10 रुपीज फिक्स है, और इसके बाद ईच डे का 5 रुपीज फिक्स है। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि 3 डेज के 10 रुपीज फिक्स है, और उसके बाद हर दिन के 5 रुपीज फिक्स है, तो 5 डेज के कितने लगेंगे? 5 डेज के 2 पार्ट्स बनेंगे, एक तो 3 डेज और एक 2 डेज। इन 3 डेज के नाम के तो 10 रुपीज लगेंगे, और ये जो 2 डेज है, 1 डे के 5 रुपीज लग रहे हैं, तो 2 डेज के 2 × 5 = 10, तो 10 + 10 कितना आ जाएगा? 20 रुपीज उसका चार्ज होगा। मान लो वो 7 डेज के लिए करते हैं यही काम, फोरों लेते हैं, तो 7 में से 3 डेज के लिए तो अलग हो जाएगा, और 4 डेज के लिए अलग हो जाएगा। 3 डेज के तो फिक्स है 10 रुपीज, और 4 डेज के पर डे के हिसाब से 5 रुपीज है, तो ये 20 हो गया, तो 10 + 20 यानी कि 30 रुपीज लग गए 7 डेज के। तो ऐसी कोई सिचुएशन है। अब इसको क्या कैसे लिखते हैं? अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो लेट चार्ज ऑफ बुक फॉर फर्स्ट 3 डेज या और इसको अच्छे तरीके से समझ कर लेना चाहते हो तो, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ बुक दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, एक्स रुपीज मान लिया फर्स्ट 3 डेज की, एंड चार्ज ऑफ ईच डे ऑफ ए बुक दैट इज रुपीज वाई। ये 3 डेज के बाद का है। लेट द चार्ज ऑफ ईच डे आफ्टर 3 डेज भी लिख सकते हो आप यहां पे, आफ्टर फर्स्ट 3 डेज वो रुपीज वाई है। अब कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 27 रुपीज पे किए, तो टोटल चार्ज हुआ 27, तो राइट साइड में तो आ गए 27।
डेज के, 7 डेज के। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बिल्कुल। सपोज करो ये चार्ज है, तो 7 डेज के लिए 3 डेज तो हो गया अलग और 4 डेज हो गया। 3 डेज के लिए तो 10 रुपीज फिक्स है और बाकी के जो 4 डेज है वो 5 रुपीज के हिसाब से, 5 रुपीज के हिसाब से 4 डेज के 20। तो ये 10 प्लस 20 कितने रुपए हो गए, 30 रुपीज हो गए। अब देखो यहां पे हमारे पास फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने क्या माना, x, और ईच डे का क्या माना, y। फर्स्ट 3 डेज का हमने x माना और ईच डे का y माना, तो फर्स्ट 3 डेज के दाम का तो x रुपीज आ गया। अब ईच डे का y है, ईच डे का y है, तो यहां पे 7 डेज है, 3 और 4 में कन्वर्ट कर लिए, तो 3 डेज का तो x है और बाकी के 4 डेज का किसके हिसाब से है, y के हिसाब से है। तो एक दिन का y है तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2y, 3 डेज का 3y, 4 डेज का 4y। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पे इसको हम और अच्छे तरीके से समझे तो अब यहां से ये हटा देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 3 डेज का x है और हर दिन का y है। 7 डेज में फर्स्ट के जो 3 डेज है उनके तो x रुपीज लग गई और जो 4 डेज बचे हैं उसमें 1 डे का y है तो 4 डे का 4y आ जाएगा, यानी कि x प्लस 4y ये टोटल चार्ज आ जाएगा और ये कितना है, 27। तो हम इसको लिख देंगे कि ये x प्लस 4y है, तो ये कंडीशन 1 होगी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्या है कि 21 रुपीज पे किया है 5 डेज की, तो 5 डेज है। अब इसमें से 3 डेज अलग हो गए, 2 डेज अलग हो गए। 3 डेज के नाम का तो x हो गया और 2 डेज का नाम 2y हो गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 21। ये सेकंड कंडीशन होगी। अब इन दो कंडीशंस को आपको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल इजी कोएफिशिएंट से इक्वेट हो रहे हैं, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है और भी हो जाए। देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट, इसके साइन चेंज करेंगे, एक्स कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y, 2y रह गया, 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, एक्स की एक्स प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। तो 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, 27 माइनस 12 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपीज हो गया और पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज हो गया। फिक्स्ड जो चार्ज है वो 15 रुपीज हो गया और पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज हो गया। चेक करें, एक कंडीशन को चेक कर लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज 15 डे है, वो 3 डेज के लिए है और उसने कितने डेज के लिए ली थी, 7 डेज के लिए ली थी, तो 3 डेज के लिए तो 15 लगे, बाकी के 4 डेज के लिए इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। तो 7 डेज के 27 रुपीज बने हैं। हाँ बिल्कुल, देखो 27 ही है। उसके बाद अगर 5 डेज की बात करें तो 15 तो 3 डेज के हो गए और 2 डेज जो बचे हैं उसका किस हिसाब से होगा, 3 रुपए के हिसाब से, दोनों को प्लस कर देंगे, 15 और ये 6, ये 21 आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ये आपके लिए छोटा सा वर्क है इसके लिए। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।